बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आज का हमारा लेक्चर है इक्विपमेंट ऑफ कंप्यूटेड टोमोग्राफी। द प्रेजेंट जनरेशन ऑफ मल्टी स्लाइस स्कैनर्स आर बेस्ड ऑन द थर्ड जनरेशन सिटी स्कैनर ज्योमेट्री। द प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ऑफ द सिटी स्कैनर आर एक्सटेंड लूप, कॉलिमेटर, डिटेक्टर एरे, ऑल आर माउंटेड ऑन अ रोटेटिंग गैंट्री। द रोटेशन एक्सिस इज रेफर टू एज जी एक्सिस। जो रोटेशन एक्सिस है वो जी एक्सिस है। The X-ray beam is collimated as a wide fan beam sufficient to cover the patient cross section at its widest. It has a narrow width parallel to the Z-axis that for a single slice scanner generally defines the image slice thickness. अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास patient couch है, ठीक है, fan shape X-ray beam है जो कि अराउंड द बॉडी रोटेट करेगी। उसके बाद हमारे पास रोटेटिंग एक्सरे डिटेक्टर्स हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या था, थर्ड जनरेशन पे, हम कहते हैं कि जो मोटर स्कैनर है वो थर्ड जनरेशन पे बेस करता है, तो उसमें रोटेटिंग एक्सरे डिटेक्टर्स हैं और रोटेटिंग ही फैन शेप एक्सरे बीम। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास पूरी गैंट्री है जिसमें डिटेक्टर और एक्सरे ट्यूब जो होती है वो माउंटेड होते हैं। ये पेशेंट काउच है जो कि मूवेबल होगा, फ्रंट और बैक साइड पे ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड से मूव करेगा जैसे ही पेशेंट का जब हम स्कैन करते हैं। बिहाइंड द पेशेंट इज एन आर्क ऑफ डिटेक्टर्स विद द रेडियस ऑफ द आर्क बीइंग इक्वल टू द फोकल डिस्टेंस सो दैट ईच डिटेक्टर इज द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। ईच डिटेक्टर इज द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। सोर्स क्या है? एक्सरे ट्यूब, एक्सरे। द टोटल नंबर ऑफ डिटेक्टर्स इज इन द रेंज 500 to 1000। The high voltage generator is also mounted on the gantry alongside the X-ray tube. तो X-ray tube जो हमारे पास CT scan में use होती है उसके साथ हम high voltage generator use करते हैं। On a helical scanner, the gantry can rotate around the patient is in 1 second or faster. In helical scanner, the gantry can rotate around the patient in 1 second or faster. The minimum time on the newest scanner being about 0.3 second for a full 360 degree rotation. कितना minimum time उसको लगे? The rotating gantry weight कितना होता है उसका? Around about 500 kg. The patient lies on a couch that has a table top that can be moved longitudinally through the gantry aperture. कि longitudinally वो move करता है, ठीक है, forward और backward direction में जब हम patient का scan करते हैं। Normally the plane of gantry rotation is perpendicular to the long axis of the table top. अब हमने gantry की जो rotation होती है वो perpendicular होती है किसकी? जो table top का long axis मतलब उसके perpendicular है। However, it is possible to tilt the gantry usually up to 30 degree about the vertical. This allows transaxial scans to be produced at an angle in the body. The main application is in scanning of the head, for which the scanning planes may be made parallel to the base of skull. तो हम जो ये जो एंगल की बात करते हैं ये स्पेशली एप्लीकेबल हम कहाँ पे करते हैं? जब हमने ब्रेन का स्कैन करना होता है, जब हमने हेड का स्कैन करना है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम रोटेट करते हैं, ठीक है, एंगल देते हैं गैंट्री को, ताकि जो हमारी आईज का एरिया है, रेटिना का एरिया है, वो हम एक्सरे से एक्सपोज ना करें, और हम एक एंगल देते हैं जो कि बेस ऑफ द स्कल के पैरेलल होता है, और वहां से हम आई एरिया को स्किप कर देते हैं और उससे पीछे वाला जो ऊपर वाला एरिया होता है हम सिर्फ उस एरिया का स्कैन करते हैं। एक्सरे ट्यूब। अब द एक्सरे ट्यूब इज माउंटेड with its anode cathode axis parallel to the axis of rotation of the scanner. This is so to minimize the influence of anode heel effect because the size of the beam parallel to the axis of rotation, the axis of rotation kaun sa hai, z axis hai, is more than a few centimeter even with the multi slice CT scanner. The tube of CT scanning have to be capable of prolonged exposure time at हाई एमए कि जो जो सिटी स्कैनिंग की ट्यूब होती है या एक्सरे की अगर सिंपल जो एक्सरे होता है रेडियोग्राफी जो होती है उसमें उसके साथ कंपेयर करें तो ये इतनी ज़्यादा कैपेबल होती है कि इसमें हम लॉन्ग एक्सपोजर टाइम अगर हाई एमए में हम रखें तो भी सिटी स्कैन मशीन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पर हम क्या करते हैं कि हमारे पास लो एमए होता है, ठीक है, और एक्सपोजर टाइम भी कम होता है क्योंकि उसकी कैपेसिटी होती है इतनी होती है, उसमें इतनी हीट जो है वो
वियर नहीं हो सकती। टिपिकली ट्यूब हैज टू फोकल स्पॉट साइजेस, द स्मॉलेस्ट बीइंग अबाउट 0.6 mm। इसमें दो फोकल स्पॉट्स होते हैं, जो स्मॉलेस्ट होता है वो 0.6 mm का होता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है, गैंट्री है और ये इसका इनसाइड व्यू है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा क्या है, इंटरनल व्यू है गैंट्री का, ये इसका आउटर कवर है। यहाँ से हमने रिमूव किया हुआ है, यहाँ पे हमें ये इंटरनली अगर हम देखें तो ये हमें इस तरह का नजर आता है। ये यहाँ पे देखें तो ये डिटेक्टर्स की रो लगी हुई है, डिटेक्टर्स एरे है, ये सारे डिटेक्टर्स है जो कि एक आर्क में कंबाइन है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक्स्ट्रा ट्यूब है, ठीक है, यहाँ से ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ये डिटेक्टर्स हैं, ये इसका पर्चर है, यहाँ पे टेबल काउच होता है, पेशेंट काउच होता है, और यहाँ पे हमने पेशेंट को लिटाया हुआ होता है। ये एनोड है, ये कूलिंग ऑयल, कूलिंग ऑयल का फंक्शन क्या होता है कि उसने डेसिपेट करना हीट को, ताकि जो ट्यूब एक्सरे ट्यूब होती है जब वो एक्सरे प्रोड्यूस करती है तो हीट अप हो जाती है, तो उस हीट को कम करने के लिए, उसको डेसिपेट करने के लिए हम कूलिंग ऑयल यूज करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास क्या है, कॉपर इलेक्ट्रोड, टंगस्टन टारगेट, कैथोड। अब यहाँ पे ये क्या है, इसकी ग्लास कवरिंग होती है जिसमें वैक्यूम होता है, उसमें कोई मीडियम नहीं होना चाहिए। यहाँ ये यह हमारा जो है एक्सरे ट्यूब का इनसाइड व्यू है। द मेजर कंपोनेंट ऑफ मॉडर्न एक्सरे ट्यूब एंड हाउसिंग असेंबली, ये पूरी अगर हम एक्सरे ट्यूब का अंदर से ओपन करके देखें तो हमारे पास पूरा इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, जिसमें एक कैथोड होगा, एक एनोड होगा। एनोड होता है उसमें रोटेटिंग एनोड हम यूज करते हैं ताकि हीट जो डेसिपेट हो सके, ठीक। ये केबल सॉकेट्स हैं, एक्सरे ट्यूब इंसर्ट है, उसके बाद हमारे पास आउटपुट पोर्ट है, ये ट्रांसफार्मर ऑयल है, ये है एक्सरे ट्यूब का स्ट्रक्चर। Many are designed to run continuously for period of 90 second or greater at 120 kV or 200 mA, जो कि एक ज़्यादा high values आप कह सकते हैं कि यहाँ पे heat जो बहुत ज़्यादा produce होती है। To achieve this performance, they have heat capacity of 4 megajoule or more. कि इतना अगर आपने factors को रखना है तो हीट जो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है उसको डेसिपेट करने के लिए या उसको बियर करने के लिए जो कैपेसिटी होनी चाहिए वो कम से कम 4 मेगाजाउल तक होनी चाहिए। अब सीटी स्कैनर इनकॉर्पोरेट हीट एक्सचेंजर्स टू कूल द ऑयल एंड द एयर विद इन द गैंट्री इनक्लोजर इज मेंटेन्ड एट लो टेम्परेचर। टिपिकली स्कैनर्स आर ऑपरेटेड एट फिक्स्ड 120 kV, but a range of kV is usually available with 3 or 4 fixed settings between about 80 to 140 kV. कि हम नॉर्मली जो एक्सरे ट्यूब यूज़ करते हैं, स्कैनर्स यूज़ करते हैं, उसमें क्या कहते हैं कि फिक्स्ड kV यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें एक रेंज सेट होती है जो कि 3 to 4 है, उसमें फिक्स्ड सेटिंग होती है कि आप अपनी जो kVp की सेटिंग है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और उसमें रेंज हमारे पास बनती है 80 टू 140 kV की, हम 80 से लेके 140 kV तक कोई भी रेंज जो है वो सेट कर सकते हैं। आइडली मोनो एनर्जेटिक फोटो बीम वुड बी यूज्ड फॉर सीटी, बट दिस कैन नॉट बी अचीव्ड विद एन एक्सरे सोर्स। एलियर स्कैनर जो यूज होते थे यूज एडिशनल कॉपर फिल्टर्स टू रिमूव लो एनर्जी फोटॉन्स। अब अगर हम फिल्ट्रेशन की बात करें, बिकॉज ऑफ इम्प्रूवमेंट्स इन रिकंस्ट्रक्शन एल्गोरिथम दिस इज नो लॉन्गर नेसेसरी, और जनरली स्कैनर्स हैव अ टोटल ट्यूब फिल्ट्रेशन ऑफ 6 mm एल्यूमिनियम। द अगर कॉलीमीटर हम देखें, द कॉलीमीटर इज माउंटेड ऑन द एक्सरे ट्यूब, द बीम इज कॉलीमीटर टू अ फिक्स्ड विड्थ दैट इज जनरली अबाउट 50 cm at the axis of rotation, sufficient to cover the full cross section of the patient. On the z axis, the size is variable, or in the case of single slice scanner, defines the image slice thickness. Typically, there are fixed width setting between 1 and 10 mm.
For single slice scanners, there may also be a patient collimator. This is mounted in front of detectors. तुम्हारे पास कभी कभी दो टाइप के स्कैनर्स कोलिमेटर्स होते हैं, जिसको हम एक कहते हैं प्री पेशेंट और दूसरे होते हैं पोस्ट पेशेंट। तो जो प्री पेशेंट होते हैं वो एक्सरे ट्यूब के बाद और पेशेंट से पहले होते हैं, वो होते हैं प्री पेशेंट। और जो पेशेंट के बाद और डिटेक्टर से पहले होते हैं उनको हम पोस्ट पेशेंट कोलिमेटर्स भी कहते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या है, ये आपके पास फोकस है, ठीक है, ये आपके पास एक्सरे ट्यूब है, यहाँ से एक्सरेज निकलती है, फैन बीम है, दरमियान में यहाँ पे कॉलीमेटर्स लिखे होते हैं जिन्होंने बीम को कॉलीमेट करना है। उसके बाद ये पास होगी एक स्पेसिफाइड एरिया से, जो कि स्लाइस विड्थ होती है, जो कि हमने फिक्स की होती है कि आपने कितनी स्लाइस विड्थ लेनी है, कितनी स्लाइस की थिकनेस लेनी है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, ये डिटेक्टर्स हैं जिन्होंने डिटेक्ट करना है। अब अगर आप ये देखें तो ये है जी एक्सिस लॉन्ग द बॉडी और बीम इसके क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। इट्स purpose is to reduce scatter radiation from reaching the detector when slice thickness is less than width of the detector. कि अगर slice thickness हमने detector की width से कम ली है तो उसने क्या करना है, collimation and collimators ने कि उस beam को collimate कर देना। अगर आप यहाँ में देखें तो हमारे पास detector की thickness कितनी है, इतनी, यहाँ से यहाँ तक। अगर हम यहाँ पे collimators ना लगाएं तो क्या होगा, beam जो है वो यहाँ तक, यहाँ से ये वाला जो अगर इसकी विड्थ हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक जाएगी जितने डिटेक्टर की विड्थ है। तो जो एक्स्ट्रा एरिया है, क्योंकि हमें तो स्लाइस विड्थ जो है वो इतनी चाहिए जितनी हमें स्पेसिफिकली लेनी है, अगर हमें इतनी चाहिए तो जो बाकी एरिया पे आएगी वो क्या होगी, सारी स्कैटर्ड होगी। जब स्कैटर होगी तो उससे क्या होगी, हमारे में इमेज क्वालिटी डिक्रीज होगी। तो इस वजह से हम ये कॉलीमेटर्स यूज करते हैं। सम मैन्युफैक्चरर हैव आल्सो यूज्ड पोस्ट patient collimator to get accurate thickness selection for the smallest slice width. तो post patient जो मैंने आपको बताया कि कुछ जो scanner था उनमें ये यहाँ पे patient के बाद ये वाले detectors नहीं लगे, collimators नहीं लगे हुए, ठीक है। तो कुछ जो scanner था उनमें post patient collimators भी लगे होते हैं। ये pre patient होंगे जो patient से पहले लगे हुए हैं, यहाँ पे post patient होंगे जो कि patient के बाद हैं। तो कुछ स्कैनर्स में हम पोस्ट पेशेंट लगाते हैं ताकि एक एक्यूरेट आपको इमेज क्वालिटी मिल सके, अगर हम स्मॉलेस्ट स्लाइस विड्थ यूज करें। फॉर मल्टी स्लाइस स्कैनर्स पोस्ट पेशेंट कॉलिमेशन इज नेदर नेसेसरी नॉर पॉसिबल। लेकिन क्या है कि जो मल्टी स्लाइस सिटी स्कैनर्स हैं उनमें ये जरूरी नहीं है और पॉसिबल भी नहीं है। क्यों? बिकॉज द फुल विड्थ ऑफ डिटेक्टर इज इन ईच रो इज यूज टू फॉर्म द इमेज। कि हमने वहां पे डिटेक्टर की पूरी रो को यूज करना है इमेज बनाने के लिए। शील्डिंग फ्रॉम स्कैटर रेडिएशन वुड आल्सो शील्ड फ्रॉम डायरेक्ट रेडिएशन। कि शील्डिंग अगर स्कैटर रेडिएशन की हम करेंगे तो वो डिटेक्टर कॉलीमेटर्स क्या करते हैं, वो डायरेक्ट जो रेडिएशन है उससे भी शील्ड कर देते हैं। द क्रॉस सेक्शन ऑफ द पेशेंट इज जनरली इलिप्टिकल सो दैट एट द एज ऑफ द पेशेंट द रे पाथ फ्रॉम फोकस टू डिटेक्टर पासिस थ्रू अ रिलेटिवली लो टिश्यू थिकनेस। अगर हम यहाँ पेशेंट की बात करें तो जो पेशेंट के एरियाज होते हैं, जो एजेस होते हैं, जो लेटरल साइड्स होती हैं, वो एज कम्पेयर टू मीडियल साइड या मिड ऑफ द बॉडी क्या होंगी, थिन होंगी। ये जो लेटरल साइड्स हैं या एजेस हैं ये थिन होते हैं एज कम्पेयर टू मिड ऑफ द बॉडी। तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास कि जो बीम का जो पाथ होता है या बीम की जो आप स्ट्रेंथ कह लें वो रिलेटिवली सेम होती है, ठीक है, चाहे वो मिड से पास हो रही है चाहे वो एजेस से पास हो रही है। लेकिन जब वो एज से पास होती है तो हमारे पास क्या होगा, वहां पे स्लाइस थिकनेस होती है एज कम्पेयर टू मिड पोर्शन कम होती है। दिस हैज द इफेक्ट दैट नॉइज लेवल आर पुअरली मैच्ड ओवर द एरिया ऑफ ट्रांस एक्सियल सेक्शन बीइंग हाईएस्ट एट द सेंटर वेयर डोजेस आर लो and also then the dose at the periphery or on the skin is unnecessary high। कि जो mid portion होगा जो center होता है वहाँ पे dose कम होती है, ठीक है, और जो periphery होता है जो skin वाला जो portion है वहाँ पे unnecessary dose ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि वहाँ पे slice thickness होती है वो कम होती है। To minimize this, अब इस effect को कम करने के लिए ताकि हमारे पास क्या है equal dose आए, पूरे जो एजेस हैं या सेंटर पोर्शन है उसमें इक्वल डोज है, तो हम इस इफेक्ट को खत्म करने के लिए
To minimize this effect, some manufacturers introduce additional shaped filters that are thin at the center and progressively thicker towards the edges of the fan beam. These serve to equalize the transmitted intensities emerging from the patient. अब ये फिल्टर्स कैसे होते हैं, अगर आप यहाँ पे देखें तो हम ये कहते हैं कि हम दरमियान से ये वाले फिल्टर्स, अगर आप देखें कि वो टाइप फिल्टर्स हैं, डिफरेंट शेप्स के बनाते हैं, उसमें क्या होता है कि सेंटर वाले पोर्शन को थिन कर देते हैं, साइड वाले पोर्शन को क्या करते हैं, थिक कर देते हैं, ताकि जब बीम यहाँ से पास हो, इस पोर्शन को रेडिएशन एक्सपोजर ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, इस पोर्शन को कम होता है, क्योंकि ये पेरिफेरीज हैं, ये एजेस हैं, तो यहाँ पे स्लाइस थिकनेस होती है, जो विड्थ होती है पेशेंट की वो कम होती है, तो यहाँ पे हमें एक्सपोजर कम रिक्वायर्ड होता है, तो उस बीम को जो पेशेंट से पास होगी उसको इक्वल करने के लिए, इक्वल एक्सपोजर करने के लिए हम इस तरह के फिल्टर्स यूज करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये हमारे पास प्री पेशेंट है, यहाँ पे उन्होंने एक्स्ट्रा बोट आई फिल्टर्स यूज किए। बोट आई फिल्टर्स ने क्या किया कि बीम को, इंटेंसिटी को उन्होंने इक्वल कर दिया, सारा एक जैसी। यहाँ पहले क्या था कि इस पोर्शन पे हमें इंटेंसिटी जो है वो ज्यादा रिक्वायर्ड होती है, पेरिफेरीज पे कम रिक्वायर्ड होती है। पेरिफेरीज पे क्या होता है कि हमारे पास थिन स्लाइस होते हैं, पेरिफेरीज पे पेशेंट की थिकनेस जो होती है वो कम होती है। दे आल्सो इवन आउट द बीम हार्डनिंग इफेक्ट across the projected fan beam. Because of their shape, such filters are sometimes referred to as bowtie filters. Generally, different sizes of filters are used for head and body scanning. कि हम head और body scanning के लिए different type के filters use करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये originally लगा हुआ है, ये आपके पास क्या source filter है, ये source है, ये source filter है, जिसको हम pre-patient filters भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास ये क्या है, बोट आई फिल्टर्स है, ठीक है, ये बीम कॉलीमेटर है, जिसने बीम को कॉलीमेट करना है। उसके बाद हमारे पास क्या है, पेशेंट आएगा और उसके एट द एंड डिटेक्टर्स होंगे, जिसने बीम को डिटेक्ट करना है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये बोट आई फिल्टर है, जिससे हमने बीम को क्या करना है, इवन इवन करना है। अब उसके बाद हमारे पास क्या होते हैं, डिटेक्टर्स होते हैं, जो कि हम बीम को डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। रिक्वायरमेंट फॉर स्कैनर डिटेक्टर्स आर एस फॉलोज, कि हमने जो स्कैनर में डिटेक्टर्स यूज करने हैं उनमें इस तरह की, जो हम डिटेक्टर्स यूज करते हैं उसमें ये सारी जो एबिलिटीज होनी चाहिए वो इस टाइप का होना चाहिए। टू बी स्मॉल इन ऑर्डर टू अलाउ गुड स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर सिंगल स्लाइस स्कैनर विद 600 to 900 individual detectors in their detector bank. The width of each detector is no more than about 1.5 mm. हमारे पास जो सिंगल डिटेक्टर की अगर हम विड्थ देखें या साइज देखें, वो कम होना चाहिए, कितना कम होना चाहिए, 1.5 mm, टू हैव अ हाई डिटेक्शन एफिशिएंसी। दूसरा पॉइंट कि इनमें डिटेक्शन एफिशिएंसी हाई होनी चाहिए, जितनी डिटेक्शन एफिशिएंसी हाई होगी उतना ही अच्छा हमारे पास इमेज आएगा। टू हैव अ फास्ट रिस्पॉन्स विद नेग्लिजिबल आफ्टर ग्लो सो एज टू कीप अप विद फास्ट स्कैनिंग टाइम एंड रैपिड चेंजिंग इन रेडिएशन इंटेंसिटी। जितना वो फास्ट होगा उतनी ही हमारे पास स्कैनिंग जो टाइम है वो कम हो जाएगा, वो फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें पेशेंट की जो स्कैनिंग टाइम, टोटल टाइम होगा वो कम हो जाएगा, कि हमारे पास एक फास्ट प्रोसीजर हो रहा है। टू हैव वाइड डायनामिक रेंज द एक्सरे इंटेंसिटी मे वेरी अराउंड अवर रेंज ऑफ 5000 to 1 बिटवीन द सिचुएशन इन विच द बीम पासिस बाय द साइड ऑफ द पेशेंट विद नो अटेन्यूएशन टू दैट इन विच इट पासिस थ्रू अ लेटरल प्रोजेक्शन ऑफ द हैवी पेशेंट। उसमें हमारे पास क्या होना चाहिए, टू हैव स्टेबल नॉइस फ्री रिस्पॉन्स, कि उसमें नॉइस नहीं आना चाहिए। देयर आर द टू टाइप्स ऑफ डिटेक्टर यूज्ड इन सीटी स्कैनर्स। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है, सिंटिलेशन क्रिस्टल्स हैं, उसके बाद हमारे पास क्या है, ज़ीनोन गैस आयोनाइजेशन चैम्बर। अब हम अगर बात करें कि हमारे पास डिवेलपमेंट अगर हम करते हैं मल्टी स्लाइस सीटी स्कैनर्स की, ठीक है, द डिटेक्टर ऑफ चॉइस फॉर मोस्ट मैन्युफैक्चरर वाज़ द आयोनाइजेशन चैम्बर। की जब हमने सबसे पहले डेवलपमेंट की थी मल्टी स्लाइस स्कैनर्स की, तो उसमें उस टाइम पे जो डिटेक्टर्स यूज हुए थे वो कौन से थे, आयोनाइजेशन चैम्बर।
to have a reasonably high detection efficiency linked with the small size chambers had to be relatively deep. For example, to the direction parallel to the X-ray beam. Okay? They use xenon gas because of their high atomic number. Kitna atomic number hota uska? 54. And K shell energy kitni hai? 35 keV. And gas was kept at high temperature. अब xenon में हमने क्या किया? High atomic number है इसका. K shell की energy इसकी 35 है और इसमें जो gas है उसको हमने high pressure पे रखा है. ठीक है? These detector have a detection efficiency about 60%. ये किसकी बात हो रही है? Ionization gas filled जो xenon chambers होते हैं जो हम as a detector use करते हैं इसके कितनी है detection efficiency 60%. उसके बाद हम इसके लिए बात करें आयनाइजेशन चैम्बर डिटेक्टर्स आर नॉट सूटेबल फॉर मल्टी स्लाइस सिटी स्कैनर. ठीक है, ग्रेटर डिटेक्शन एफिशिएंसी कैन बी अचीव बाय सॉलिड स्टेट डिवाइसेस के अगर आयनाइजेशन जो चैम्बर है उसकी डिटेक्शन एफिशिएंसी 60% है तो मल्टी स्लाइस सिटी स्कैनर की अगर बात करें तो उसके लिए इतना सूटेबल नहीं है क्योंकि हम सॉलिड स्टेट अगर डिवाइसेज यूज करें डिटेक्टर्स यूज करें तो उनकी डिटेक्शन एफिशिएंसी जो है वो इससे ज्यादा हो सकती है. Scanners with ionization detector are no longer manufactured. अब हम इनको नहीं बना रहे. अब अगर solid state detectors की हम बात करें तो इसमें क्या होता है? Scintillant with the embedded silicon photodiode to detect the light output. These scintillant may be cadmium tungsten, bismuth germanate or rare earth ceramic. Detection efficiency may be very high up to 98%, although it is effectively less than this because the detector have to be separated to prevent light crossover or crosstalk. Okay? अब detectors की crosstalk या crossover क्या होते हैं? अभी जिसकी हमने बात की थी, occurs when a photon strike a detector, a partially absorbed and then enters the adjacent detector. And is detected again. क्या हुआ कि photons हैं detector पे strike हुए, ठीक है, partially वहाँ पे क्या हुआ absorb हुए, उसके बाद वो उसके साथ वाले detector में fully absorb नहीं हुए, साथ वाले detector में वो enter हो गया और वहाँ पे वो जाके दोबारा से क्या हो रहा है detect हो गए हैं. Is detected again. Crosstalk produces two weak signals. Coming from two different detectors. So definitely अगर दो detectors ने उसको detect किया है तो क्या होगा दो signal produce होंगे जो कि दोनों weak होंगे क्योंकि दो signals एक signal को दो detectors ने detect किया तो दो weak signals produce होंगे जो कि दो different detectors ने produce किए. Crosstalk is bad because it decreases resolution. ठीक है, crosstalk is minimized by using a crystal that is highly efficient in absorbing of X-rays. ठीक है, तो ये होती है crosstalk. If this geometrical factor is included, the efficiency is closer to 80%. कि अगर हम इस factor को include करें तो उसकी efficiency जो है 98% नहीं होगी. कितनी होगी? 80% होगी. Solid state detectors can be made very small down. कितना? 1 into 0.5 mm square. कि हम इतना सॉलिड स्टेट डिटेक्टर का साइज भी बना सकते हैं. और हमने सबसे पहले बात की थी कि सॉलिड जो डिटेक्टर्स होते हैं उनका साइज जो है वो स्मॉल होना चाहिए. दे हैव नेग्लिजिबल आफ्टर ग्लो, दे हैव अ स्टेबल रिस्पॉन्स. तो यहाँ तक हम आज खत्म करते हैं अपना लेक्चर. उसके बाद हम नेक्स्ट किसी लेक्चर में अपना अगला टॉपिक डिस्कस करें.